हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी डॉट डॉट ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं KTM शोरूम, जो कि समस्तीपुर में है। और अभी हम हैं दलसिंह साहब बाजार समिति में। यहां से अभी हम लोग जाने वाले हैं, जो कि हमारे कुछ भाई हैं, ये अजीत और ये अमन। तो इसको अमन को तो आप लोग पहचानते होंगे, तो वीडियो को पेट्रोल पंप पे आए हैं, जो फ्यूल डला लेते हैं, तो उसके बाद ब्लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं, तो आपको पेट्रोल पंप का व्यू दिखाते हैं। पेट्रोल पंप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी फिल अप कर रहे हैं। हाँ, चल आएंगे तो फ्यूल अप करता है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग्स को। तो हम फ्यूल अप कर चुके हैं, ये पेट्रोल पंप बल्लो चौक पे है। तो गाइस, आप लोग जानते हो, तो हम KTM शोरूम जाने वाले हैं। तो अभी हम मुसरी घराड़ी में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा इशू हो सकता है पुलिस वाला, जो कि हम लोग ट्रिपल लोडिंग है, और ये क्या बोलते हैं, ट्रिपल लोडिंग भी है, और हम लोग के पास हेलमेट भी वेयर नहीं कर रखा है, तो पुलिस वाला इशू यहाँ पे हो सकता है। सही से निकालना भाई, नहीं तो भैया आगे में मार। यहाँ पे पुलिस भी डर जाएगा, देख बैठा हुआ है। तो हम लोग आप पहुंच जाएंगे, प्रशासन गाड़ी है। कुछ नहीं हुआ, बस रॉयल इनफील्ड एजेंसी के पास पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, यही रॉयल इनफील्ड एजेंसी समस्तीपुर में एक ही है, ये आप लोग देख सकते हो। ये यमहा है शोरूम में, देख सकते हो वहाँ पे वर्जन 4 का भी आ चुका है बाइक। लो गाइस, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, हम लोग समस्तीपुर में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का भी आप लोग देख ही सकते हो, तो एजेंसी जस्ट खड़ी भी है हम लोग के, तो हम लोग पहुँच ही गए। KTM को एजेंसी में पहुँच चुके हैं, देखते हैं अंदर। ये लग रहा है बंद हो चुका है गाइस, यार इतना मेहनत। एजेंसी खुला हुआ है, बाइक यहाँ नहीं रहता, पहले तो रहता था यहाँ पे बाइक। अभी नहीं, कहाँ बाइक यहाँ पे स्टॉक में नहीं रहता। पोपट हो गए यार, यहाँ पे आए बाइक भी स्टॉक में नहीं, बस ये सिंगल बाइक है, ये नया बाइक लग रहा है। तो यहाँ के भैया मैनेजर है, वो भी यहाँ पे भी नहीं है फिलहाल, कहीं गए हुए हैं, तो आएंगे तो ब्लॉग स्टार्ट। यार यहाँ पे पहले बाइक स्टॉक रहता था, समस्तीपुर में एक ही यही एजेंसी भी है बस। अभी बाइक अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्डर करेंगे तो आएगा बाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे वो भैया भी नहीं हैं, तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि शाम भी हो चुका है। तो अभी जाते हैं एमपी देखने बाइक, जो कि यमहा का बाइक है, तो वहाँ उस एजेंसी पे जाते हैं, जस्ट यहाँ से करीब में है, तो वहीं चलते हैं। शोरूम था और यहाँ भी बाइक अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं यमहा के शोरूम पे, तो निकलते हैं यहाँ पे। अवेलेबल रहता तो यहाँ पे गाइस जस्ट 5 किलोमीटर है, जो कि यहाँ शोरूम है, तो वहाँ चलते हैं और वहीं ब्लॉग्स कंटिन्यू करते हैं। वहाँ भी एक ठो बाइक है यमहा का MT, जो कि गाइस ये ड्यूक का टक्कर देता है, तो वही बाइक अभी देख लेते हैं। फिलहाल यमहा के शोरूम पे पहुंच चुके हैं, आए थे किसी और के लिए और आ गए कहीं, ये देख सकते हो। अरे आगे प्रशासन का गाड़ी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम पहुंच चुके हैं यमहा के शोरूम पे गाइस, ऊपर ही देख सकते हो, यहाँ पे MT का है। वर्जन यही है, इसका प्राइस अभी कितना पड़ता है? 2 लाख। 2 लाख, 2 हज़ार का ऑन रोड, ऑन रोड प्राइस। मेरा हाथ भी चढ़ जाता है इस पे। MT का हाइट मतलब हम लोग भी हो जाए ना, हम लोग लंबा हाथ होता है, उसको बैठ के सकते, उसको बैठ सकते, उसको बैठ के देखते। इसका हाइट अच्छा है, इतना झुकना पड़ जाता है।
से जो है तो उसका कितना प्राइस ज़्यादा होगा? क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक ले लीजिएगा, दो दो फोटो हो जाएगा। तो कोई भी बाइक हम लेके जा सकते हैं, फिनांस करिएगा, करवाइएगा। और उसका कितना पड़ जाएगा वो बाइक? 25,000। 26,000। हाँ, हम लोग के लिए डिस्काउंट हो जाएगा, आइएगा हम लोग के लिए आज। हाँ अच्छा ठीक है, तो आते हैं देख लें। आप लोग बाइक देख सकते हो, ये डबल इंडिकेटर जलाओ, इसमें डबल इंडिकेटर इसमें नहीं दिया है। आप लोग देख सकते हो चाबी ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसा सीन होता मीटर का। इसका टॉप स्पीड कितना है भैया? तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये भी कलर, हेयर कलर इसमें भी कुछ चेंज हुआ है। तो ये कलर भी देख सकते हो इसमें भी कुछ चेंज हुआ अच्छा खासा। आज अभी आप लोग देख ही सकते हो ब्लॉग्स में क्या हुआ, हम लोग आए KTM के लिए और यहाँ R15 के शोरूम में आना पड़ गया। तो गाइस ये MT भी सही है, अप्रूगेट किया, इसका कलर भी चेंज किया, तो बहुत हद तक सही है। ड्यूक का टक्कर का ये MT है। तो गाइस ब्लॉग्स को यही पेंट करते हैं, एंड अगर ब्लॉग्स आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, एंड आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।